just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. Hey guys, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हमारे पास है Realme का C25y. Realme C25y के अंदर अगर आप अपनी नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये आप इस वीडियो में जानेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं. चलते हैं फोन की सेटिंग के अंदर. फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए. यहाँ आपको फिर इस तरीके से इंटरफेस शो होता होगा. अब आपको क्या करना है, यहाँ देखने को मिलेगा आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिए. इस पर क्लिक करने आपको देखने को मिलेगा सी ऑल एप्स. यहाँ पे आपको कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मेरे 59 एप्स आ रहे हैं, आपके ज़्यादा भी यहाँ पे आ सकते हैं. तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए. इस पर क्लिक करने के फ्रेंड्स आपको किस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आती है वो नोट करना है, और उस एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको सर्च करना है. यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन सर्च कीजिए. मान लीजिए आपको गूगल क्रोम है, इससे नोटिफिकेशन आपको आती है, तो यहाँ आइए, इस पर क्लिक कीजिए. इस तरीके से अब आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन. यहाँ पे आपको क्लिक करना है. इसकी नोटिफिकेशन बंद करने के लिए यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए. तो आपको इस एप्लीकेशन से अब से कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं कराई जाएगी. इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. मान लीजिए आपको गूगल क्रोम की आपकी नोटिफिकेशन बंद हो चुकी है. इसी तरीके से और भी एप्लीकेशन है जिनकी आपको नोटिफिकेशन आती है, उनको आप बंद कराना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ आइए और यहाँ आके उस एप्लीकेशन को इस तरीके सेलेक्ट कीजिए. नोटिफिकेशन देखेगा, इस पर क्लिक कीजिए. आपको यहां से ये वाली नोटिफिकेशन बंद कर देनी होती है. तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन इस एप्लीकेशन से शो नहीं कराई जाएगी. तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इस फोन के अंदर नोटिफिकेशन को बंद करा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.